नमस्कार, खम्मागणी केप न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस के विजन डॉक्यूमेंट 2030 पर बीजेपी का निशाना, सीएम को आंखों से चश्मा हटाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, मेरे और अशोक गहलोत के बीच काफी प्रेम है। कानून बनने के बाद सालों तक नहीं बनते रूल्स, ओम बिरला ने सदनों की गिरती गरिमा पर जताई चिंता। जनता को झूठे प्रलोभन देकर बहका रही राज्य सरकार। महर्षि बालीनाथ बोर्ड का गठन पर बेरवा समाज के द्वारा राजेंद्र सिंह विधुड़ी का स्वागत, संवाददाता लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस के विजन डॉक्यूमेंट 2030 को लेकर मंगलवार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री को विजन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो अपने आंखों से चश्मा हटाइए। ये विजन कितना खौफनाक और दर्दनाक है राजस्थान के लिए। जिस व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बंधी हो उसका कैसा विजन हो सकता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का संघर्ष तेज होने लगा है। इस कड़ी में कांग्रेस ने विजन डॉक्यूमेंट 2030 जारी किया तो बीजेपी ने इसको लेकर न केवल पलटवार किया बल्कि निशाना भी साधा। बीजेपी के मीडिया कार्यशाला के लिए जयपुर पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री कुछ भी बोलने का प्रयास करें, जिस विजन की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से ब्लर है। दुख करुणा के साथ कह रहा हूं, राजस्थान की छवि कई कानून व्यवस्था को लेकर ऐसी कभी नहीं रही जैसी आज है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, महिला अपराध, सांप्रदायिक वातावरण को लेकर भी आज जैसी स्थिति कभी नहीं रही। कल्पना करिए कि ये वह सरकार है कि जिसने पीएफआई के प्रतिबंध से एक हफ्ता पहले रैली निकालने की परमिशन दी। उदयपुर में दुखद घटना हो गई। आज महिलाओं के साथ जिस प्रकार से दुर्दांत अपराध हो रहे हैं, राजस्थान की ऐसी स्थिति नहीं थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को विजन नहीं दिखाई पड़ रहा है तो अपनी आंखों से चश्मा हटाइए। ये विजन कितना खौफनाक और दर्दनाक है राजस्थान के लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपने भरतपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना तो साधा लेकिन ये भी कह दिया कि उनके और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच काफी प्रेम है। लेकिन इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार को लेकर ये भी कहा कि राजस्थान में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई। भरतपुर दौरे पर पहुंचे बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बीच काफी प्रेम। शेखावत बोले कि हम दोनों एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े हैं और एक ही विधानसभा के रहने वाले हैं। उन्होंने इस दौरान चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि मेरा अशोक गहलोत से इसलिए और ज्यादा लगाव है क्योंकि उनके पुत्र वैभव गहलोत को मैंने चुनाव में हराया था। गहलोत के साथ लगाव की बात करने के अगले ही पल जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें आड़े हाथों भी ले लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरह के हालात बने हैं, आज राजस्थान का किसान बदहाल और बेहाल है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना में बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं को घर से बाहर निकलने में डर लगता है और परिवार वाले उनके सकुशल घर पहुंचने पर ही चैन की सांस लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कानून बनने के बाद सालों तक रूल्स नहीं बनने पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि इसीलिए उन्होंने नियम बनाया है कि कानून बनने के बाद तय सीमा के अंदर उसके रूल्स भी बनने चाहिए। उन्होंने राज्यों की विधानसभाओं को भी ऐसा ही करने की सलाह दी है। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन समापन कार्यक्रम में बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बार फिर से सदनों की गिरती गरिमा पर चिंता जताई। बिरला ने कहा कि आज अधिकतम विधानसभा पेपरलेस हो चुकी। अधिकतम विधानसभा ने सूचना प्रौद्योगिकी को अपना लिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने में टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ वहां वहां भ्रष्टाचार कम हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी चुनौतियों के समाधान का रास्ता भारत से ही होकर निकलेगा। आज दुनिया के देश भारत के लोकतंत्र से प्रेरणा ले रहे हैं लेकिन सदनों की गिरती गरिमा चिंता का विषय। उन्होंने कहा कि सदनों में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना, व्यवधान उत्पन्न करना संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कोटा जिले के बड़ोस क्षेत्र के बूढ़ा द्वीप में ऐतिहासिक प्राचीन सूर्यदेव मंदिर पर भाजपा की विशाल बैठक मंडल अध्यक्ष हरिओम नागर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विधायक प्रवास योजना में प्रवासी विधायक उत्तराखंड के दुर्गेश्वर सिंह ने हिस्सा लिया और पार्टी की वर्तमान गतिविधियों का फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से बूथ की मजबूती पर जोर दिया। इस समय प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता को झूठे प्रलोभन देकर बहकाया जा रहा है। बैठक के दौरान प्रवासी विधायक ने समस्त बूथ
का सत्यापन किया और अनेक बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर खटाना ने बताया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नए सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। मंडल अध्यक्ष हरिओम नागर ने सभी से एकजुट होकर पार्टी इसमें कार्य करने की अपील की, यानी कि पार्टी के हित में कार्य करने की अपील की। भाजपा जिला महामंत्री ललित शर्मा ने पार्टी की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। बैठक का संचालन भाजपा नेता कपिल शर्मा ने किया। इस दौरान प्रहलाद पवार, नरेश शर्मा, कमला मीणा, सुरेश शर्मा, एलएन शर्मा, विजय शंकर नागर, एससी मोर्चा कोटा देहात जिला अध्यक्ष चंपालाल मेहरा, पूर्व प्रधान महेंद्र सनाडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष राम कल्याण मीणा, सत्यनारायण मीणा, चेत्रा मीणा, बनवारी नागर, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष संतोष शर्मा, देवेश शर्मा, गजेंद्र मीणा, परमानंद गोस्वामी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे, जहां सभी ने एकजुट होकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में 23 अगस्त जिले के गंगरार उपखंड में अखिल भारतीय बैरवा समाज चित्तौड़गढ़ के संगठन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बेगू विधानसभा के राजेंद्र सिंह विदुड़ी साहब का स्वागत और आभार उनके पीए के माध्यम राजू रेबारी एवं पंचायत समिति गंगरार के प्रधान प्रतिनिधित्व रविन्द्र सिंह राणावत, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सचिव शंकरलाल गाडरी, ब्लॉक अध्यक्ष परमेश्वर जाट, वरिष्ठ कांग्रेस नेता वाग्मल जाट, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नारायण गुर्जर, बैरवा समाज जिला अध्यक्ष रामेश्वर बैरवा, जावलियों का खेड़ा हाल मुकाम बस्सी के नेतृत्व में भव्य स्वागत कर आभार जताया गया। आभार जताने में समाज के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हीरालाल बैरवा, सिहाणा संगठन के कोषाध्यक्ष चंपालाल बैरवा, गोपीलाल संगठन के जिला कोर कमेटी सदस्य मोहनलाल बैरवा, श्यामलाल बैरवा, आकोडिया कैलाश बैरवा, सुधरी रतन लाल बैरवा, शंकरलाल मांगीलाल, सुरेश श्यामलाल, नंदलाल सभी ने स्वागत किया। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ग्राम बघेरा के युवा नेता सागर शर्मा के चहेते माने जाने वाले हर्षित योगी, गौरव पाराशर, ओम प्रकाश यादव, राजकीय महाविद्यालय के अध्यक्ष परमेश्वर कुमार, रोहित योगी, परमेश्वर मीना शंकर योगी, नितेश बैरवा आदि ने पीसीसी सदस्य सागर शर्मा का जन्मदिन भव्य रूप से मनाया और सरकारी अस्पताल में रोगियों को फल वितरित करके उनका स्वास्थ्य लाभ पूछा और सागर शर्मा की दीर्घायु की कामना की। केकड़ी से राहुल साहू की रिपोर्ट। बिजली विभाग यानी कि JVVNL का तकनीक सहायक ट्रैप हुआ है। आरोपी सुरेश सुमन को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बिजली का बिल कम करने के जुगाड़ करने के बदले ये रिश्वत मांगी गई थी। कोटा एंटी करप्शन ब्यूरो की देहात टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देर रात तक केथुन थाने पर पूछताछ हुई, आज शाम को कोर्ट में पेशी, तो वहीं घर की तलाशी भी जारी है। 12 कांग्रेस के विधायक पद के प्रत्याशी आज करवा सकेंगे आवेदन पत्र जमा। विधायक पद हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 23 अगस्त को यानी कि संबंधित आज विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष को जमा करवा सकेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा ने सूचना जारी की है। 24 अगस्त को ब्लॉक अध्यक्ष सभी आवेदन पहुंचाएंगे जिला कमेटी को, तो वहीं 25 को भेजे जाएंगे प्रदेश नेतृत्व को।
राजस्थान में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने नेताओं के साथ में चुनावी रणनीति बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रही हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया है कि भाजपा राजस्थान चुनाव में किन मुद्दों पर अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को बताया कि पार्टी के घोषणा पत्र का आधार विकास और सुशासन होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प पत्र विकास और सुशासन इन दो आधार पर तैयार होगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में मंगलवार को संकल्प घोषणा पत्र समिति की बैठक भी हुई। बैठक के बाद मेघवाल ने बताया कि आज पार्टी की पहली बैठक थी, घोषणा पत्र जल्द ही तैयार होगा। उन्होंने बताया कि इस बैठक में भाजपा के सभी समिति सदस्य उपस्थित थे और ये एक सफल बैठक थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश में फैल हो रहे बिजली तंत्र को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। सांसद बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार के कुप्रबंधन के कारण आज राजस्थान की जनता बिजली को तरस रही है। सांसद बेनीवाल ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में बिजली संकट को देखते हुए फ्यूल चार्ज माफ करने तथा 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने जैसी राज्य सरकार की घोषणाएं होती नजर आ रही है। बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने घोषणा पत्र में किसानों को 6 घंटे से अधिक निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने तथा 24 घंटे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति देने की बात कही, लेकिन सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतर पाई। चुनाव का समय नजदीक होने के बावजूद सरकार को जनता के हितों से कोई सरोकार नजर नहीं आया। हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की जनता को बिजली संकट से निजात दिलवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप राका और ऊर्जा विभाग के शासन सचिव भास्कर सावंत से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि आगामी 48 घंटों में राज्य के बिजली तंत्र में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा जन किया जाएगा। सांसद ने कहा कि निगम मांग के क्रम में आपूर्ति देने में नाकाम नजर आ रहा है और इस कारण पनपे बिजली संकट से किसानों, आम उपभोक्ताओं, उद्योगों के साथ अस्पतालों में भी मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस के विजन डॉक्यूमेंट 2030 पर बीजेपी का निशाना, सीएम को आंखों से चश्मा हटाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, मेरे और अशोक गहलोत के बीच काफी प्रेम है। कानून बनने के बाद सालों तक नहीं बनते रूल्स, ओम बिरला ने सदनों की गिरती गरिमा पर जताई चिंता। जनता को झूठे प्रलोभन देकर बहका रही राज्य सरकार। महर्षि बालीनाथ बोर्ड का गठन पर बेरवा समाज के द्वारा राजेंद्र सिंह बिधुड़ी का स्वागत, संवाददाता लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। केप न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केप न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।